सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा विंटर स्किन केयर रूटीन बट मैं कुछ इसमें से स्टेप फॉलो करती हूँ मंथली मतलब महीने में एक या दो बार फॉलो करती हूँ कुछ तो मैं, मैं वीकली, वीकली फॉलो करती हूँ और कुछ स्टेप मैं डेली करती हूँ मुझे नोज एरियाज पर बहुत ही ज़्यादा वाइट हेड्स हो जाते हैं तो पता है उसको रिमूव करने के लिए मैं यूज करती हूँ चारकोल नोज स्ट्रिप्स का मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद है बिकॉज इससे इजीली आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं लगाने में भी बहुत ही ज्यादा इजी है आसान है इसमें से एक स्ट्रिप आपको निकालना है एंड अपने नोज को गीला करना है और फिर अप्लाई कर देना और ये है। और बहुत ही आसानी से आपके सारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव कर इसे देता मैं महीने में एक बार यूज करती हूँ मुझे अपर लिप्स पर भी बहुत ही ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है इवन बहुत जल्दी जल्दी भी आ जाती है सो मैं हर बार तो पार्लर नहीं जा सकती हूँ सो मैं घर पर ही थ्रेड के यूज से अपर लिप्स के हेयर रिमूव कर लेती हूँ और जैसे कि मेरी आईब्रोज भी बहुत जल्दी ग्रो करती है तो मैं ट्वीजर के हेल्प से जो एक्स्ट्रा हेयर एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना उससे मैं रिमूव कर लेती हूँ और जैसे कि फोरहेड एरिया एरियाज है वहां पर मैं फेशियल रेजर का यूज करती हूँ और इनमें से सबसे अच्छा मुझे फेशियल रेजर लगता है पेनलेस है और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है वीकेंड में एक बार मैं इस वाले फेस मास्क को जरूर यूज करती हूँ आपको ले लेना है दही और उसमें मिक्स कर लेना है हनी और बस इसको मिक्स करके आपको अप्लाई कर लेना है बट मैं क्या करती हूँ पहले ना मैं इसको मसाज करती हूँ धीरे धीरे और पाँच मिनट कम से कम मैं इसको मसाज करती हूँ इससे और उसके बाद मैं इसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ एंड दस पंद्रह मिनट के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ आप इसको ट्राई करना बहुत मस्त है विंटर सीजन में मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करती हूँ ऑयल मसाज जरूर करती हूँ स्कैल्प मसाज करती हूँ और पूरे हेयर्स में अच्छे से ऑयल अप्लाई करती हूँ और हूं। फिर दो तीन घंटे के बाद मैं नॉर्मल शैम्पू से अपना हेयर वॉश और कर हाँ लेती मैंने हूं। कौन सा ऑयल यूज करी हूँ इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं मैं नॉर्मल कोकोनट ऑयल लेती हूँ जो हंड्रेड नेचुरल हो और फिर मैं अपना खुद घर पर ऑयल प्रिपेयर करती हूँ सो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे बहुत सारे ऑयल्स मैं बनाती हूँ एंड अपने चैनल पर पोस्ट करती हूँ इस वाले ऑयल को मैंने कैसे प्रिपेयर की हूँ इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हूँ मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी आप सभी को ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इसको जरूर ट्राई करना अगर आपकी भी ड्राई स्किन है सो तो विंटर में आप इस वाले स्क्रब को जरूर ट्राई करना वीकेंड में एक बार या फिर पंद्रह दिन में एक बार इस स्क्रब को बनाने के लिए मैंने यहाँ यूज की हूँ कॉफ़ी और फिर कॉफ़ी बीन्स को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके कॉफ़ी पाउडर बनाई हूँ एंड इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही और इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना है एंड हल्के हाथों से आपको पाँच मिनट के लिए स्क्रब कर लेना है पाँच मिनट से ज्यादा स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है और आप हल्के हाथों से करो और हाँ अगर आपके पास कॉफी बीन्स नहीं है सो आप कॉफी पाउडर का यूज भी कर सकते हो जो कॉफी हम घर पर बनाते हैं उसी कॉफी पाउडर का आप यूज करके इस वाले स्क्रब को प्रिपेयर कर सकते हो और जब भी आप स्क्रब करते हो ना तो नोज एरियाज में थोड़ा ज़्यादा करना क्योंकि यहाँ पर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है ना हमें सो वो इजिली रिमूव हो जाता है सो अब इसको हम लोग कर लेंगे नॉर्मल पानी से वॉश हाँ स्क्रब करने के बाद आप मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना बिकॉज विंटर में वैसे ही स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई होती है एंड स्क्रब करने के बाद तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ऐसा नहीं है कि आप बस ऊपर ऊपर ध्यान रखोगे आपको इनर बॉडी का भी ध्यान रखना होता है सो तो विंटर में जो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ वो है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो विंटर वाले लड्डू आपको रेसिपी मिल जाएगी बिकॉज ये वाले लड्डू मैंने नहीं बनाई तो मुझे नहीं आता ये मेरी ममा की रेसिपी है और और हाँ जैसे कि मैं विंटर में कोशिश करती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट है वो भी हेल्दी रहे सो मुझे तो बेस्ट लगता है आप स्मूदी बना लो या फिर आप ओट्स बना लो बट हाँ इसमें जो भी मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी ना उसको मैं रात में भिगो कर रख दूंगी इवन आप दूध में भी सोख करके रख सकते हो और सबसे अच्छा तो मुझे ओट्स लगता है आप ओट्स स्मूदी ट्राई कर सकते हो बनाना वाला ओट्स ट्राई कर सकते हो अगर आप, आप अपने डाइट पर ध्यान दोगे अच्छा खाओगे पियोगे ना तो आपको ऊबर से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने डाइट में पनीर ऐड कर सकते हो एंड दही और छात से बनी चीजें तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है हमारे हेयर एंड स्किन के लिए मैं तो कोशिश करती हूँ जो भी मैं अप्लाई करूँ हंड्रेड परसेंट नेचुरल हो स्किन के लिए हेयर के लिए सोहा so, huh? और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो है इन सारी चीजों को मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ नेचुरल हेयर ऑयल सो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना